नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल में। डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, और अगर आपको डेंगू बुखार हो जाए तो तब प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए, और अगर बुखार में प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो शरीर में क्या होता है। ये सब जानकारी हम देंगे आपको आज के इस वीडियो में। मॉनसून खत्म होते ही वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगा है। अक्टूबर नवंबर के महीने में डेंगू बुखार का प्रकोप पूरे देश में शुरू हो चुका है। डेंगू बुखार होने पर मरीज का प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर डेंगू संक्रमण होने के चौथे दिन से प्लेटलेट्स घटने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में डेंगू संक्रमण सातवें दिन प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। डेंगू संक्रमण रक्त कोशिकाओं और ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से शरीर में प्लेटलेट कम होने लगते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट घटने के कारण मरीज की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट काउंट लगभग 1.5 लाख होना चाहिए। डेंगू में प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम होना चिंताजनक माना जाता है। आइए आपको बताते हैं डेंगू में प्लेटलेट कम होने के क्या नुकसान हो सकते हैं। शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होने से आपको कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि मांसपेशियों और जोड़ों में गंभीर दर्द और ऐंठन की समस्या। डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट कम होने पर आम है। इसकी वजह से आपको थकान और चलने फिरने में परेशानी भी हो सकती है। डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होने पर खून की उल्टी आने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा मरीज को जरा सी चोट लगने पर भी गंभीर ब्लीडिंग होती है। डेंगू बुखार में मरीज का प्लेटलेट काउंट कम होने पर स्किन से जुड़ी परेशानियां होती हैं। इसकी वजह से स्किन पर लाल, नीले और बैंगनी रंग के निशान दिखाई देने लगते हैं। महिलाओं में डेंगू की वजह से प्लेटलेट काउंट कम होने पर पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और परेशानियां बढ़ जाती है। डेंगू में प्लेटलेट कम होने पर मरीज को पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसकी वजह से मल के रंग में भी बदलाव देखने को मिलता है। डेंगू बुखार में जिन मरीजों का प्लेटलेट काउंट 40,000 के आसपास आ जाता है, उन्हें डेंगू शॉक सिंड्रोम का खतरा रहता है। ऐसे में मरीज के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, हीमोग्लोबिन कम होना, ब्लीडिंग और पेट से जुड़ी परेशानियां और सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से मरीज की जान भी जा सकती है। इसके बाद अगर मरीज को डेंगू बुखार से ठीक होने के बाद दोबारा डेंगू संक्रमण हो जाता है तो यह और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स कब चढ़ाना चाहिए? आमतौर पर डॉक्टर्स ऐसे मरीज का जिनका प्लेटलेट काउंट 40,000 से 50,000 हो जाता है, उन्हें कुछ दवाएं और खान पान में सुधार की सलाह देते हैं। जिन मरीजों का प्लेटलेट काउंट घटकर 40,000 से कम हो जाता है, उनकी जांच के बाद डॉक्टर प्लेटलेट बाहर से चढ़ाने की सलाह देते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट कम होने पर मरीज को बिना एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के बाहर से प्लेटलेट नहीं चढ़वाना चाहिए। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होने पर खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रंग बिरंगे ताजे फलों का सेवन प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा पपीते की पत्तियों का जूस और पपीते का सेवन प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए कीवी का जूस, अनार और चुकंदर का सेवन भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो अगर आपका भी प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो आप भी अपनी डाइट को सही करके अपना प्लेटलेट काउंट सामान्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।